वेरी गुड। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि हमने शैल बी और विल बी को, ये हमारा थर्ड वीडियो है शायद, और शैल बी और विल बी को यहाँ पे हम समाप्त करेंगे और अगले क्लास में हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वीडियोस को शुरू से करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोग को मैं बता दूँ ताकर कि आपको थोड़ा सा आप उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ साथ बोल नहीं पा रहे हैं और आपको लग रहा है कि हम बोल नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें हो रही है, तो मैं सजेस्ट करता हूं कि पिछली वीडियो ज़रूर आप देखें। क्लास वन से लेकर के क्लास 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सीरीज़ बाय सीरीज़ क्लासेस को देखें, तभी आप हमारे साथ साथ यहां तक आ पाएंगे और बोल पाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और क्लास को आगे ले चलते हैं। जी हाँ, और उसी में हमने नॉट का भी प्रयोग सीखा कि भैया जब हम लोग शैल बी और विल बी का जो प्रयोग करेंगे तो ये तो सिंपल वे में बन जाता है, बट जब नेगेटिव का हम लोग प्रयोग करते हैं, नॉट का जब प्रयोग करते हैं, जब हमें कहना होता है कि मैं एक टीचर नहीं बनूंगा, है ना, मैं एक डॉक्टर नहीं बनूंगा, मैं एक फौजी नहीं बनूंगा, मैं एक चोर नहीं बनूंगा, मैं सुंदर नहीं रहूंगा, वह सुंदर नहीं रहेगी, वह एक अच्छा आदमी नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसे जब भी हम लोग नहीं का जब प्रयोग करते हैं ना, तो इनके साथ हम लोग नॉट का प्रयोग हमने सीखा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि वह सुंदर नहीं रहेगी, वह सुंदर नहीं रहेगी, यानी कि फ्यूचर टाइम में, आने वाले टाइम में वो सुंदर नहीं बनेगी, नहीं होगी, नहीं रहेगी, देन यू कैन से एवरीथिंग, है ना। शी विल नॉट बी ब्यूटीफुल, यानी कि सुंदर लड़की है तो लड़कियों के लिए हम लोग ब्यूटीफुल का प्रयोग किए हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना। और लड़का, लड़कों की अगर बात हम लोग करते हैं कि भैया आप हैंडसम, जिसको बोलते हैं हैंडसम, सुंदर की बात करते हैं, तो लड़कों के लिए हम लोग हैंडसम का प्रयोग करते हैं, तो शी विल नॉट बी ब्यूटीफुल, वह सुंदर नहीं रहेगी, वह सुंदर नहीं होगी, है ना। ऐसे सेंटेंस हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। चलिए अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, सर मुझे और थोड़ा प्रैक्टिस करवा दीजिए और इनके बारे में बताइए और थोड़ा बनवाइए सेंटेंसेस में, ताकर कि हमारी टोंग पे वो सेंटेंस आए, तो चलिए क्यों ना इसमें हम 5-10 मिनट और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं और जान लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आपने लिख लिया था, नहीं लिखे तो प्लीज़ दोबारा आप स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले हम लोग सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर विल या विल का प्रयोग करते हैं, फिर इनके बीच में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर प्लस बी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है भैया जो लास्ट में हमारा अदर वर्ड आते हैं ना, उनको हम लोग लास्ट में जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, मैं अच्छा रहूँगा, सबसे पहले आप एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाइए, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस हम लोग जिसको बोलते हैं। मैं क्या, मैंने कहा मैं अच्छा रहूँगा, तो आई विल बी, अच्छा को क्या बोलते हैं, गुड आप बोल सकते हैं, आई विल बी गुड, मैं अच्छा रहूँगा। अगर मैं एक अच्छा आदमी बनूँगा, क्या बोलेंगे, एक आप अच्छा आदमी बनना चाहते हैं, होना चाहते हैं, तो आई विल बी अ गुड मैन। अब इसी को नेगेटिव में आप ले लीजिए, मैं एक अच्छा आदमी नहीं बनूंगा, मैं एक अच्छा आदमी नहीं रहूंगा, या मैं एक अच्छा आदमी नहीं होंगे, ठीक है। तो आई विल नॉट बी अ गुड मैन, मैं एक अच्छा आदमी नहीं रहूंगा, नहीं बनेंगे, नहीं होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए, वह एक छात्र नहीं रहेगी, विल नॉट बी अ स्टूडेंट, सी विल नॉट बी अ स्टूडेंट, वह एक छात्र नहीं रहेगी, मैं होशियार नहीं होंगे, आई विल नॉट बी हैप्पी, खुश मल दे, होशियार को क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट या वाइस बोलिए, डोंट वरी अबाउट दिस दैट, ठीक है। मैं सुंदर नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी ब्यूटीफुल या हैंडसम, वह अच्छा नहीं रहेगी, सी विल नॉट बी गुड, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ डॉक्टर, मैं फौजी नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ फौजी, वह सुंदर नहीं रहेगी, सी विल नॉट बी ब्यूटीफुल, मैं होशियार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी हैप्पी या वाइज इंटेलिजेंट, मैं स्वस्थ नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी हेल्दी, तुम अच्छा नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ गुड मैन, ठीक है। आई विल नॉट बी अ सिली बॉय, मैं एक बदमाश लड़का नहीं रहेंगे, नहीं बनूंगा या नहीं होंगे, ठीक है।
आप, हाँ एक चीज़ मैं फिर इसमें मैं आपको रिपीट करूं कि इसमें विदाउट एक्शन विदाउट मैन वर्ब का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कोई भी मैन वर्ब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। मैन वर्ब का मतलब हमने कहा था कि कोई भी एक्शन कोई भी काम कोई भी क्रिया अगर हम लोग करते हैं उनको मैन वर्ब कहते हैं। ठीक है, ओके नाउ तो हमारे साथ साथ बोल बोल करके प्रैक्टिस करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ साथ बोल नहीं पा रहे हैं, वो सेंटेंस नहीं बना पा रहे हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आई इंसिस्ट यू, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बोल बोल करके हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो बोलने से ही बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, और बोलना हमारे लिए ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। अगर नहीं बोलते हो तो इफ़ यू डोंट स्पीक देन ऑल इन वेल। ठीक है, अगर आप नहीं बोलोगे हमारे साथ साथ ना, तो हमारे पढ़ाने का मतलब हमारा सब बर्बाद हो जाएगा, है ना, हमारा टाइम भी वेस्ट में चला जाएगा और आपने जो हमें पे किया है ये भी आपकी पे कोई काम का नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू प्लीज़ फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, बिकॉज यू नो दैट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, इफ़ यू डोंट स्पीक देन ऑल इन वेन, दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू यू विल हैव टू स्पीक मोर एंड मोर टाइम्स, and you will have to speak day in day out, you will have to speak day in day out, any times any situation, हर वो एक समय आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हर एक वे पे एक रास्ते पे आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा, बिकॉज इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस देन ऑल इन मैन। एक ही सच है, जितने बार आप बोलोगे जितने बार आप लिखोगे जितने बार आप पढ़ोगे देन बहुत ही अच्छा आदमी बन जाओगे और बहुत ही अच्छा परफेक्ट स्टूडेंट कहलाओगे, टीचर कहलाओगे। ठीक है, सो आई होप आप हमारी क्लास को इन्जॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे। चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेल बी और विल बी के ऊपर एक और हम क्लास लेंगे और बहुत ही तीनों को मिक्स करेंगे और सेल बी विल बी को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, आज तक यहीं तक वीडियो रखेंगे। सो हमने कहा था कोई भी चीज़ को समाप्त करते हैं यानी कि ख़त्म करते हैं तो लेट्स कॉल इट अ डे बोलेंगे, लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए जितने भी सारे हमने चीज़ें पढ़ी सीखी वो हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे भी हमारे वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।